देन रिमूव डेड टिश्यू एंड डेब्रिज फॉर स्टेजेस 2 और 4। अगर पेशेंट बेडसोर के स्टेज 2 और 4 में है तो डेड टिश्यू का रिमूवल करना इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज द प्रेशर शोर कैन डिले हीलिंग एंड लीड टू इन्फेक्शन। अगर डेड टिश्यू हम क्लीन नहीं कर रहे हैं तो हीलिंग भी डिले होगा, एज वेल एज जो सोर है वो इन्फेक्शन भी होने के उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। रिमूविंग डेड टिश्यू इज ऑफन पेनफुल, बहुत पेनफुल होता है अगर टिश्यू हम रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ओपन वुंड है, नर्व्स ओपन है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। इसलिए हम पेन रिलीविंग मेडिकेशन 30 to 60 minutes बिफोर प्रोसीजर के हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। देन नर्सिंग मेजर्स टू प्रिवेंट प्रेशर सोर। फर्स्टली अगर हमको प्रेशर सोर से प्रिवेंट करना है तो उसके लिए नर्सिंग मेजर्स है, फर्स्ट रिंसिंग टू वॉश अवे लूज डेब्रिस, ठीक है, हमको उस जगह को रिंस करना है। देन वेट टू ड्राई ड्रेसिंग्स करनी है, एंजाइम मेडिकेशन कर देना है, स्पेशल ड्रेसिंग करनी है, ओके, अगर हमको और प्रेशर सोर को और वर्स्ट होने से अगर प्रिवेंट करना है। फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेशर सोर इंक्लूड लोकलाइज ऑस्टियोमलाइटिस, सेल्युलाइटिस एंड इवन सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। ओके, तो व्हाट इज ऑस्टियोमाइलिटिस? ऑस्टियोमाइलिटिस इज अ इन्फेक्शन ऑफ द बोन, ठीक है। ये कैसे ट्रांसफर होगा? अगर प्रेशर सोर है और वो स्टेज 4 में चला गया, वर्स्ट कंडीशन हो गया, बोन्स एंड मसल्स तक चला गया, तो इससे क्या होता है? ऑस्टियोमाइलिटिस होने के चांसेस है, जिसके कारण जो बोन में भी इन्फेक्शन पहुंच जाता है। ओके, तो ऑस्टियो मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू बोन, माइलाइटिस मीन्स इन्फेक्शन, इट इज़ अ बोन इन्फेक्शन, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ बेड सोर। एंड सेल्युलाइटिस मीन्स सीरियस बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन को हम सेल्युलाइटिस बोलते हैं। एंड इवन सिस्टमेटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, उस जगह पे सेप्सिस भी कॉज हो सकता है। ये सब क्या है? ये इमोबिलिटी के कॉम्प्लिकेशंस है। अगर एक पेशेंट इमोबाइल है, बहुत दिन से बेड रिडन है, तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? तो फर्स्ट है इसमें प्रेशर सोर, जिसको हम बेड सोर भी बोलते हैं। इसके 4 stages हैं, आपको मैंने बता दिया कि कैसे कैसे इसको प्रिवेंट करना है और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। अब सेकेंड आएगा बोन डीमिनरलाइजेशन एंड हाइपर कैल्शीमिया। ये क्यों होता है बोन डीमिनरलाइजेशन एंड हाइपर कैल्शीमिया? ड्यू टू प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट के कारण एब्सेंस ऑफ वेट बियरिंग, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है पेशेंट, बोन्स का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, बेड रिडन है महीनों से पेशेंट, तो एब्सेंस ऑफ वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज, एब्सेंस ऑफ वेट बियरिंग। थर्ड है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण भी हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मीन इससे जो बोन है वो पोरस हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और बोन ब्रेक होने का या का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, देन हाइपर कैल्शीमिया, बोन डीमिनरलाइजेशन एंड हाइपर कैल्शीमिया बोला गया। हाइपर कैल्शीमिया मीन्स बोन में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो बोन डीमिनरलाइजेशन एंड हाइपर कैल्शियमिया को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? नर्सिंग मेजर्स है प्रिवेंट इंजरी रिलेटेड टू डीके बोन स्ट्रेंथ, ठीक है। ऐसे भी कोई भी इंजरी नहीं होना चाहिए पेशेंट को जो बोन के स्ट्रेंथ को लो करें। देन इनकरेज वेट बियरिंग ऑन लॉन्ग बोन्स इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो किसी के हेल्प से पेशेंट को उठा के उनके लिए इनकरेज करना है हमको वेट बियरिंग के लिए, या उनको खड़े कराना है, थोड़ा चलाना है, इससे क्या होगा बोन्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रिवेंट होंगे। थर्ड करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट, फीम मैट्रेस, जो मैट्रेसेस है वो फीम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, तो हम उससे क्या होगा पेशेंट का जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो सही रहेगा। इनकरेज सेल्फ केयर, रोम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के लिए हमको बताना है, उसमें एबडक्शन एडक्शन ये सब आता है आगे, आपको आप देखोगे वो क्या है। अवॉइड फटीग, अज्यूम वेट बियरिंग पोजिशन हमको उनको देना है, टेबल वगैरह अगर के हेल्प से अगर उनको बैठा सकते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा इन पेशेंट्स के लिए। डिक्रीज करना है कैल्शियम इनटेक और प्रोवाइड करना है बैलेंस डाइट अगर हाइपर कैल्शीमिया हो गया है पेशेंट को। डाइट हाई इन CHON, विटामिन सी, और डिक्रीज हमको करना है कैल्शियम, मे बी गिवन एस्ट्रोजन एज नेसेसरी एंड मेडिकेशन लाइक बाई फॉस्फोनेट्स टू रिटार्ड डीम मिनरलाइजेशन। इनकरेज फ्लूड एसिड एश डाइट, ओके, ऐसे फ्लूड्स और जिसमें एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा हो ऐसे डाइट को हमको इनकरेज करना है। देन सेकेंड इज नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस इज एग्रावेटेड बाई एनोरोक्सिया।
ठीक है, नेगेटिव नेट व्हाट इज एनोरेक्सिया, इसमें जो पेशेंट है उसको फील होगा कि उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण वो क्या है फूड को अवॉइड करेंगे, फूड नहीं लेंगे, तो जिसके कारण नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस अकर होता है। इट रिप्रेजेंट डिप्लेशन ऑफ प्रोटीन स्टोर्स दैट आर असेंशियल फॉर बिल्डिंग मसल टिश्यू एंड फॉर वुंड हीलिंग। इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन का लेवल है वो बहुत डिक्रीज होते जाता है। नर्सिंग मेजर्स इसमें ये है कि इसमें हाई प्रोटीन डाइट हमको स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग्स में पेशेंट को प्रोवाइड करना है, जिससे जो डिप्लीशन हो गया प्रोटीन का वो फुलफिल हो जाए। देन ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन इज डिक्रीज इन बीपी लेस देन 20/10 mg एंड इट हैपन व्हेन देयर इज डिक्रीज एबिलिटी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टू इक्वलाइज द ब्लड सप्लाई व्हेन पोजीशन इज चेंज्ड फ्रॉम रिकम्बिनेंट टू अपराइट। अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज द पूलिंग ऑफ ब्लड इन द लोअर एक्सट्रीमिटी ड्यू टू डिक्रीज इन मसल एक्शन दैट कॉज प्रेशर ऑन द वेन्स एंड असिस्टिंग इन वीनस रिटर्न। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो बीपी है सडन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी में 20 mmHg का गिरावट आ जाएगा। मींस अगर हमारा नॉर्मल बीपी 80 है, 80/100 है या 80/120 है, तो वो 60/100 ऐसा हो जाएगा, जिससे क्या होगा जो पर्सन है उसको इसमें क्या होगा डिजीनेस फेंटिंग कॉन्शियसनेस वाला अनकॉन्शियस प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन मींस अगर पेशेंट ऐसे बेड लाइन में है, सोया हुआ है पेशेंट, ओके, या बैठा हुआ है, अचानक से जब वो स्ट्रेट पोजीशन में आएगा, खड़ा होने का कोशिश करेगा पेशेंट, तो ये ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं। मे लीड टू फेंटनेस वीकनेस और डिजीनेस इन एन अटैम्प्ट टू स्टैंड द पेशेंट इज एट हाई रिस्क फॉर इंजुरी ड्यू टू फॉल। ड्यू टू फॉल क्यों, क्योंकि अगर सडनली हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो हमको क्या हो सकता है डिजीनेस अनकॉन्सियसनेस हो सकता है, जिसके कारण रिस्क ऑफ इंजुरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो नर्सिंग मेजर्स क्या है, हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इंक्रीज एक्टिविटी ग्रेजुअली, देन इंकरेज रेंज ऑफ मोशन एंड लेग एक्सरसाइज। ठीक है, हमको डेली क्या करना है, लेग एक्सरसाइजेस, लेग को मूव करना है, एक्सरसाइज करना है, रेंज ऑफ एबडक्शन एडक्शन ये सब एक्सरसाइजेस हमको पेशेंट को बताने हैं। टीच पेशेंट टू राइज फ्रॉम बेड स्लोली एंड डेंगल लेग्स बिफोर गेटिंग अप। सबसे अच्छी चीज़ तो यह है कि जब भी हम बेड से उठने वाले होते हैं तो हमको 1-2 मिनट तक बेड में बैठना होता है और आराम से हमको स्टैंड करना चाहिए, जिससे क्या है ये सारी चीज़ें होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इलास्टिक स्टॉकिंग्स, सॉक्स आते हैं इलास्टिक के, वो हम पेशेंट को दे सकते हैं, जिसके कारण प्रेशर होने के कारण लेग्स में ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहेगा। सिटिंग एंड लाइंग बीपी, देन हमको क्या करना है, हमेशा जब पेशेंट बैठे हुए हैं और सोए हुए हैं तो हमको बीपी मेजर करना है कि बीपी में कोई चेंजेस या वेरिएशंस तो नहीं आ रहे हैं। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है कॉन्ट्रैक्चर्स। कॉन्ट्रैक्चर्स आर जॉइंट एबनॉर्मेलिटीज ड्यू टू एबनॉर्मल शॉर्टनिंग ऑफ मसल टिश्यू रेंडरिंग द मसल हाईली रेसिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग। कॉन्ट्रैक्चर्स में क्या होता है, ये एक जॉइंट एबनॉर्मेलिटी है जिसमें जो मसल्स है वो शॉर्ट हो जाते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एंड इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ जॉइंट्स के कारण, जैसे आप देख सकते हो कि एक लेग सही है और एक लेग ऐसा फ्लेक्स्ड है, तो हो सकता है इस लेग में कॉन्ट्रैक्चर्स होने के चांसेस हो जाए। ऑन असेसमेंट फिक्स्ड शॉर्टेंड एक्सट्रीमिटी विथ पेन और मैनिपुलेशन, जब हम असेस करते हैं तो ऐसे पेशेंट में क्या होगा, शॉर्टेंड एक्सट्रीमिटी हमको शो होगा, एक पैर बड़ा एक पैर छोटा दिखेगा, जिसमें अगर हम जिस जो लेग छोटा है अगर उसको हम मैनिपुलेट करें, ठीक है, तो उसमें पेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा होगा। लीड्स टू डिफिकल्टीज इन परफॉर्मिंग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, इससे क्या होगा, जो पेशेंट है उसको एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अपने बाथिंग ब्रशिंग कॉम्बिंग ड्रेसिंग सब में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, अगर कॉन्ट्रैक्चर्स के प्रॉब्लम है तो। देन कॉन्ट्रैक्चर में क्या क्या हम नर्सिंग मेजर्स कर सकते हैं, प्रमोट फ्रिक्वेंट चेंज इन पोजिशन, जॉइंट मसल्स में शॉर्टनिंग ना हो इसलिए हमको जो है फ्रिक्वेंट पोजिशन चेंज करना है, यूज़ करना है पिलो ट्रोकेंटर रोल्स एंड फुट बोर्ड टू प्रमोट प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट के लिए पिलोज वगैरह बोर्ड्स वगैरह हमको यूज़ करना है। अवॉइड नी गैच, नी गैच का मतलब ये है जो हमारा नी एरिया है उसको हमको एलिवेट करके नहीं रखना है, ओके। देन परफॉर्म थेरापूटिक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस एज एप्रोप्रिएट, जितना हो सके उतना एक्सरसाइज हमको करवाना है पेशेंट से।
देन प्रमोट प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट पोजीशन फंक्शनल करेक्ट अलाइनमेंट. हमको पेशेंट को देखना है कि पेशेंट कैसे सो रहा है, कैसे पोजीशन चेंज कर रहा है, उसका बॉडी अलाइनमेंट सही है कि नहीं. अगर नहीं है तो वो हमको सही करके पेशेंट को देना है.